यूपी के बुलंदशहर के गांव बहलरामपुर महिलाओं ने ग्राम प्रधान पर गांव में कोई विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की और तहसील दिवस में शिकायत की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का ग्राम प्रधान पर गांव में ही कोई विकास न कराने के आरोप लगाते हुए कि गांव में कोई सड़क, कोई शौचालय व कोई विकास कार्य नहीं किए गए, जिसमें ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। गाजियाबाद में पेरेफल एक्सप्रेसवे पर बढ़ती हुई लूट की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस विशेष अभियान चला रही है। उसी के तहत पेरेफल एक्सप्रेसवे पर लूट करने की कोशिश में चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये चार पेरीफेरल में पकड़े गए, मुरादनगर थाना क्षेत्र पड़ता है। ये हाईवे रॉबरी की योजना बना रहे थे। इनके पास से एक टॉर्च मिली है, इनके पास से तमंचे मिले हैं, उनके पास से एक सेलो टेप भी मिला है। इनका प्लान ये था कि जो भी गाड़ी से आए तो उसको ये पकड़ ले, तमंचे के बल पर रोक लेंगे उसको और फिर टेप बांध देंगे उसको, लूट कर लेंगे, जितनी भी लूट कर सकते हैं, ये इनका प्लान था। इससे पहले हम लोगों ने चेक किया, फिलहाल मुरादनगर से तो हमें कुछ मिला नहीं। त्रिनेत्रा पे भी हमने चेक किया, कोई इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। सर, टॉर्च ले जाने का उद्देश्य क्या था? टॉर्च था रात में, तो यही उद्देश्य? वही पुलिस का जो चेकिंग है वो मिमिक करना चाह रहे थे, टॉर्च से रोकना चाह रहे थे गाड़ी को और फिर तमंचे के बल से लूट करना चाह रहे थे। सर, क्या पेरिफेरल में इस तरह की शिकायत आ रही थी? पेरिफेरल में पिछले 3 महीने में 2 ऐसे गैंग पकड़े जा चुके हैं। तो एक में तो मर्डर हुआ था और एक में उन्होंने ड्राइवर को परी चौक पर छोड़ दिया था, वो भी मुरादनगर ने, वो मसूरी ने केस खोला था, वो सरिया वाला जो केस था वो मसूरी ने खोला था। उसके पहले जो सीमेंट वाला एक ट्रक था, तो सीमेंट के ड्राइवर, वो ट्रक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, बॉडी फेंक दी गई थी मुरादनगर थाने। ये करीब 3 महीने पुरानी। हाँ, गश्त हो रही है हमारी, 5 से 5 हो रही है, 12 से 5 डेली हो रही है रात्रि को। कुशीनगर कसिया तहसील दिवस में मंगलवार को DMSP ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। DMSP ने आए हुए पीड़ितों की समस्याएं गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चालौन के कोच में रतन सिंह रात को अपनी पालतू भैंसों को खाना पीना खिलाकर मकान के पास ही बने तालाब पर पहुंचा, लेकिन तालाब में भैंसें लौट रही थी तो उन्होंने भैंसों को तालाब से निकालने के लिए तालाब में उतर गए और उनका पैर अचानक फिसल जाने के कारण तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। आपका क्या गार्डन हुई आपकी? राम नरेश नरंजन। अच्छा, किस ग्राम के? वो ग्राम इमलोरी, थाना पहुँच, जिला जालौन। अच्छा, क्या गार्डन? निवासी हूँ। दिक्कत ये हुई है कि मेरे पिताजी जो है जानवरों को लेकर के तालाब में नहाने के हेतु गए थे, उस पर उनका पैर फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गंगा यमुना के बीच बसे कौशाम्बी जिले में बाढ़ से संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन घाट किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। बाढ़ के दौरान होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए थे, क्या हुआ, क्या देखा? हाँ, बाढ़ प्रभावित गाँव का हमने अभी दौरा किया है। विशेष रूप से गढ़वा गाँव में सूचना मिली थी कि पानी बढ़ रहा है, अभी मैंने मुआयना किया तो उसमें अभी नालों तक पानी आया है, गांव में अभी नहीं आ पाया है। तो सभी ग्रामवासियों को हम लोगों ने सतर्क कर दिया है कि 24 घंटे सतर्क रहें, जैसे भी उनको लगे कि पानी गांव में बढ़ रहा है तुरंत खाली कर दें। हमारे प्रशासन की टीम भी उनकी हर तरह से मदद करेगी। सर, ये बाढ़ को देखते हुए किस प्रकार कितनी चौकियां वो की गई है बाढ़ के? 3 चौकियां हैं, 4 चौकियां हैं हमारे तहसील में, सबको अलर्ट कर दिया गया, सारी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया, कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और हमारे तहसील में कंट्रोल रूम बना दिया गया है और 8-8 घंटे की कर्मचारी भी ड्यूटी लगा दी गई है। योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि झोला छाप डॉक्टर कोई और काम ढूंढ दे, लेकिन शाहजहांपुर सहित पूरे जिले में तो हाल ही अलग है। उनके इस फरमान का यहाँ कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। ताज़ा मामला थाना अर्ची मिशन के इलाके से सामने आया है। अनुपूर्व नाम के कर्मचारी स्वास्थ्य मिशन के फार्मासिस्ट पद पर तैनात हैं और उक्त मिश्रीपुर स्थित अपने आवास पर ड्यूटी के बाद अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करते हैं, जहां मरीजों को ड्रिप चढ़ाना, दवाई देना, इंजेक्शन लगाना आदि तमाम स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं। और तो और डॉक्टर साहब नकली महंगी दवाई व अस्पताल की दवाई भी खुलेआम मरीजों को देते हैं और उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। संचालित अवैध क्लिनिक पर दूर दूर से आकर भोली भाली जनता इन डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराती है। इस संज्ञान में लाया जा रहा है और ये जो यहाँ पे फार्मासिस्ट पोस्टेड है और अगर इस तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहा है तो जो भी यहाँ के नोडल अधिकारी हैं उनके सुपरविजन में एक टीम गठित करके
इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने में ये दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सर मामला अजीजगंज में है सर, काफ़ी समय से एक डॉक्टर वर्मा के नाम से वहाँ फेमस है, काफ़ी समय से वहाँ पर अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहा है, मरीजों को भर्ती करना और दवाई देना, ड्रिप चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, तमाम स्वास्थ्य जो भी सेवाएं होती सब उसका उपलब्ध हैं सर, उस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई सर पहले आपके संज्ञान में लाया गया था लेकिन किसी प्रकार उसको कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए अजीजगंज का मैटर जो है एक बार आपने हमारे नॉलेज में लाए थे, उस समय हमने जो वहाँ के उस समय नोडल अधिकारी थे यहाँ के उनसे जाँच के लिए बताया गया था लेकिन उनके द्वारा जाँच करके नहीं दिया गया, नोडल अधिकारी को हटा दिया गया है, अब दूसरे नोडल अधिकारी हैं उनके देख रेख में अब जो टीम गठित की जाएगी वो टीम जा करके उनका निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के दौरान पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बुद्ध पंडित का मंच के कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा साफा पहनाकर सम्मान किया। बुद्धि पंडित राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की अध्यक्षता में बम निवास मंडल के कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें रामराज गुज्जर खेड़ली को अध्यक्ष पद दिया गया। गाजियाबाद पुलिस बदमाशों की दो अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ गाजियाबाद के थाना कवीनगर क्षेत्र के इलाके में हुई जहां पर रात 9 बजे करीब पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी दो संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आते हैं तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके चलते पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को गोली लगी है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। ये थाना कवीनगर के संजय नगर एरिया में आज शाम की चेकिंग चल रही थी जिसके दौरान बाइक पे बिना नंबर प्लेट की बाइक पे सवार दो बदमाश इधर से भाग रहे थे जिनको रोकने के क्रम में पुलिस एंगेजमेंट हुई, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया और जवाबी फायरिंग में उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उस व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम पुष्पेंद्र बताया है। जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि ये हाल ही में कुछ दिन पहले टॉनिका सिटी क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें चोरी के प्रयास के दौरान दो लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसमें वांछित चल रहा था, इस पे 25,000 का इनाम जनपद गाजियाबाद में घोषित है। इसका एक और साथी था जो कि यहाँ से मौके से फरार हो गया है, उसके लिए अभी हमारी टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं। जो अपराधी पकड़ा गया है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उससे और पूछताछ अभी। सागर के सुर्खी थाना अंतर्गत 17 अगस्त को एक वृद्धा महिला मोगाबाई जिसके साथ रेपुरी तालाब के पास अज्ञात आरोपी ने लूट की थी उसका सुर्खी पुलिस ने खुलासा किया है। यहां हम आपको बता दें कि जीप रास्ते के अज्ञात साइकिल सवार आरोपी ने अपने साथ साइकिल पर बैठने को महिला को कहा लेकिन महिला ने मना कर दिया। वहीं आरोपी पैदल ही महिला के साथ चलने लगा और रेपुरा तालाब के पास सुनसान इलाके में महिला पर झपट पड़ा और गला दबाकर महिला की सोने की 8 घुंघरियों वाली माला और पेंशन के रखे 30,000 रुपए लूट ले गया। 17/8/2019 को रात्रि में लगभग 10 बजे फरियादिया मोगाबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब वो नया गांव से चार टोरिया जा रही थी तो 13 मील से चार टोरिया को बस मिलती है तो वो ढाबा के उधर उतर के वो पैदल जा रही थी चार टोरिया तक। तो एक अज्ञात आरोपी आया पीछे साइकिल से और उसके गले में पहनी हुई सोने जैसी धातु की माला जिसमें पेंडल लगा हुआ था सोने का और उसके पेंशन के 3,000 रुपये लूट करके और भाग गया था। फिर आरोपी पकड़ा गया। हाँ, फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया आरोपी की शनाख्त की तो आरोपी राकेश सन ऑफ माखन कुशबदिया कहाँ करने वाला जो कि ये साहेगढ़ का रहने वाला है और अपनी मौसी के यहाँ अपनी माँ के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार पर आया था और शराब पीने का आदि था। जब घटना घटित थी जब भी शराब पिए था। अच्छा, माल बरामद हो गया। इसमें चूँकि ये शराब पीने का आ रही तो 2,000 रुपये दूसरे शराब में और मुर्गा उर्गा में खर्च कर दी, उससे 1,000 रुपये बरामद हुआ है और सोने के 8 वो माला के 8 गुड़िया बरामद हुए हैं। शेष माल हम अभी और बरामद। कौन सी धारा के तहत कार्रवाई? इसमें धारा 392 IPC के तहत कार्रवाई। आज न्यायालय आरोपी को पेश कर रहा है।